हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं मिशन अब्रॉड। दोस्तों, मिशन अब्रॉड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10th और 12th पास कैंडिडेट्स के लिए कनाडा में क्या जॉब अवेलेबल है, 10th और 12th पास जॉब्स क्या रहती है कनाडा में। बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने मुझे क्वेश्चन किए हैं, कई लोगों ने ईमेल्स और कमेंट भी किए हैं कि सर ऐसे ऑप्शंस के बारे में बताएं या फिर आप हमें ऐसा रास्ता बताएं जिसके थ्रू हम कनाडा में जॉब सर्च कर सकते हैं और हमारी एजुकेशन 10th या फिर 12th है, इससे ज्यादा हमने पढ़ाई की नहीं है। अगर आप चाहते हैं कनाडा में जॉब सर्च करना, सबसे पहला अपना माइंडसेट बनाइए कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप कनाडा में क्लीनर का काम नहीं कर सकते, सिक्योरिटी गार्ड का काम नहीं कर सकते, किसी मॉल में काम नहीं कर सकते, तो आप कनाडा में जॉब नहीं कर पाएंगे। बोले तो आपकी एजुकेशन पहले से कम है, दूसरा आपको यहाँ पे जॉब करने में दिक्कत हो सकती है अगर आपका माइंडसेट प्रॉपर नहीं है। तो सबसे पहले आपने ये सोचना है कि अगर आप कनाडा में जॉब सर्च कर रहे हैं तो कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता, जो भी काम मिले आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं स्टार्ट की बात कर रहा हूँ, इनिशियली अगर आप कनाडा में लैंड करते हैं तो आपको कोई ना कोई काम चाहिए होता है। बहुत सारे लोगों का यही सपना रहता है कि कनाडा आए और कनाडा में सेटल हुए, कनाडा में जॉब करें, पैसा कमाएं। बिल्कुल हो सकता है अगर आपकी एजुकेशन 10th है या 12th है, इजीली आपको जॉब मिल सकती है। अब आपको यहाँ पे ये भी देखना होगा कि किस तरह की जॉब्स आपको कनाडा में मिल सकती है। जैसे कि हम देखते हैं हाइपरमार्केट है, सुपरमार्केट है, या फिर मॉल्स हो गए, बड़े बड़े स्टोर्स हो गए, शॉप्स हो गई, वहां पे भी आपको जॉब मिल सकती है। बोले तो यहाँ पे काफी ज्यादा जॉब रहती है छोटे छोटे काम के लिए। लेट से हम बात करें स्टॉकर्स की या फिर रिटेल एसोसिएट की, कैशियर्स हो गए, अलग अलग तरह के यहाँ पे जॉब रहते हैं, यार्ड का काम रहता है, तो स्टोर में ये सारा काम आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप होटल में जॉब करना चाहते हैं तो वेटर का काम, या फिर यूटिलिटी वर्कर हो गया, या फिर आप ग्रिल पे काम कर सकते हैं अगर आपको नॉलेज है थोड़ा बहुत, या फिर आप इनिशियली कोई भी काम पकड़ लें, उसके बाद आपको अपना नॉलेज अपग्रेड करते रहना है, और साथ ही साथ उसके बाद आपको पता भी चल जाता है कि कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जिन पे चल के आप अपना बिजनेस सेटअप कर सकें या फिर और अच्छी जॉब हासिल कर सकें। हो सकता है बहुत सारे लोग कनाडा पहुंच के अपना कोई नया डिप्लोमा कर लें, कोई नई डिग्री ले लें, जिसके थ्रू आपको और भी अच्छी जॉब मिल सकती है, तो रास्ते खुल जाते हैं। सबसे पहले आपने अपना माइंडसेट बनाना कि हम कनाडा अगर जा रहे हैं तो हमको कोई भी काम मिले हम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको क्लीनिंग का भी जॉब मिल सकता है, जैसे हाई राइज बिल्डिंग्स होती है वहां पे क्लीनिंग का काम है, या फिर अपार्टमेंट्स है उनको क्लीन करने का काम है, रूफर्स हैं हो गया उनके साथ आप काम कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन लेबर के तौर पे आप काम कर सकते हैं, फार्म्स में आप काम कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जहां पे आप जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जैसे सिक्योरिटी गार्ड की भी जॉब मिल सकती है, अगर आप किसी फैक्ट्री में जॉब कर रहे हैं फैक्ट्री वर्कर के तौर पर भी काम कर सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर भी काम कर सकते हैं। बेसिक जो जॉब्स रहती हैं जिनको हम अपने देश में करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, तो वो काम आप अगर यहाँ पे करते हैं कनाडा आके आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है, और साथ ही साथ आप अपना स्किल डेवलपमेंट करके अपना अच्छा जॉब भी हासिल कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं, और बहुत सारे व्यूवर्स के मुझे ये कमेंट आए हैं कि सर हमको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है आपने किसी ऑथराइज्ड जो कंसल्टेंट है या लॉयर के पास आप अपना सीवी सबमिट कीजिए, और दूसरा सबसे इजिएस्ट और फ्री ऑफ कॉस्ट मेथड है कि आप ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन जॉब के लिए आप indeed.ca या फिर monster.ca की वेबसाइट पे विजिट कीजिए, और वहां पे आपको रेगुलरली अप्लाई करते रहना है, जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपने अपना सीवी प्रिपेयर करके अप्लाई करना है। अब सीवी प्रिपरेशन के लिए आपको जरूर जानकारी होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड सीवी आप बनाए, उसके साथ कवर लेटर अटैच करके आप ईमेल कर दें, और अपने मोबाइल फोन पे आपको एप्लीकेशंस डाउनलोड कर लेनी है, जैसे इंडीड की या फिर जिस भी वेबसाइट से आप अप्लाई कर रहे हैं, हर वेबसाइट की अपनी एप्लीकेशन है, इन एप्लीकेशंस को मोबाइल पे डाउनलोड कीजिए, एक बार उसमें अपनी प्रोफाइल बनाइए और बैक टू बैक अप्लाई करते रहें। दिन में अगर आप 10 वैकेंसी भी अप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी क्लिक जरूर हो जाएगी, लेकिन इसमें अगर आप अप्लाई कर रहे हैं रिप्लाई नहीं आ रहा तो आप घबराइएगा नहीं, जरूर रिप्लाई आएगा, बट उसमें टाइम लगता है। कई बार ऐसा होता है आपका लक भी काम करता है, कई बार होता है कि आपको बहुत सारा अप्लाई करने के बाद भी कोई रिप्लाई नहीं आता है,
ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन आपको अप्लाई करना है अपने तरीके से भी अप्लाई कीजिए, या फिर आप अपने कंसल्टेंट की मदद से भी जा सकते हैं। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूं कि कंसल्टेंट की मदद से जाएं, लेकिन जब आप कंसल्टेंट की मदद से जा रहे हैं तो अपना हार्ड एंड मनी वेस्ट करने से पहले एक बार खुद अप्लाई करना शुरू कीजिए। और हर किसी के पास आज की डेट में मोबाइल फोन है, अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं ताकि जो पैसा आप एजेंट को दे रहे हैं वो पैसा आपका बच जाए। किसी भी कंसल्टेंट से अगर आप अपना काम करवा रहे हैं तो उसकी क्रेडिबिलिटी पूरी चेक करें, कंसल्टेंट का बैकग्राउंड चेक करने के बाद ही आपने अपना काम करवाना है। बाकी आपका अपना यहाँ पे खुद डिसीजन होगा कि आप किस तरह से कनाडा माइग्रेट होते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट है कि अगर आपको जॉब के थ्रू मिल जाए। तीसरा और इजिएस्ट मेथड है, आपके अगर कोई रिलेटिव कनाडा में है वो आपको स्पॉन्सर कर दें तो उसकी मदद से भी आप इजीली कनाडा लैंड कर जाएंगे और कनाडा में आपको बहुत सारी जॉब्स मिल सकती हैं और आपको आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जॉब मिल जाएगी। आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना माइंडसेट रेडी करना है, अपना माइंडसेट रेडी हो गया उसके बाद आप जॉब कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों आपका जो क्वेश्चन था कि 10th और 12th पास कैंडिडेट क्या कनाडा में जॉब कर सकते हैं, ऑब्वियसली आपको यहाँ पे जॉब मिल सकती है क्योंकि यहाँ पे कोई इंजीनियर कोई बड़ा डिग्री डिप्लोमा वाला पर्सन तो क्लीनिंग का काम नहीं करेगा, सिक्योरिटी गार्ड का काम नहीं करेगा। तो दोस्तों इन जॉब्स के लिए ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो कि सैलरी भी कम लें और काम भी कर लें। ऐसे में अपने इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, नेपालीज ये सब आ जाते हैं और सैलरी कम में भी काम करते हैं। एम्प्लॉयर को कम पैसे पे एम्प्लॉय मिल जाते हैं और जिनको जॉब चाहिए उनको जॉब भी मिल जाती है, तो दोनों का काम हो जाता है। तो दोस्तों आपने घबराना नहीं है, अपना सीवी प्रिपेयर करना स्टार्ट कीजिए और बैक टू बैक अप्लाई कीजिएगा। अगर आपके कोई भी क्वेरीज हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।